क्या आप जानना चाहते हैं कि अपनी वीडियो बनाने के लिए पहले स्क्रिप्ट लिखना कितना जरूरी है? ये हम आपको अभी दिखाएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि इस स्क्रिप्ट के जरिए आपकी वीडियो कितनी हिट हो सकती है और कितना हिट आपका चैनल हो सकता है। तो आइए हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं स्क्रिप्ट लिखने के। एक्चुअली स्क्रिप्ट लिखने के बेनिफिट्स ये हैं कि आप अननेसेसरी जितनी भी टॉक्स या फिर कुछ अनदर थिंग्स जो है वो आप वीडियो में नहीं गन। अगर आप वीडियो को बेटर बनाना चाह रहे हैं तो आपको एंटरटेन डालना पड़ेगा, या फिर आपको अगर वैल्यूएबल बनानी है वीडियो तो आपको एजुकेशनल डालना पड़ेगा। तो ये इस चीज़ के बेनिफिट्स हैं ताकि आपके व्यूवर्स उससे अट्रैक्ट हों और आपकी वीडियो को देखना पसंद करें आगे, कि आपने जो आपने इंट्रो में डाला है उससे आगे आपकी वीडियो को भी देखें व्यूवर्स। इसलिए हमें कंप्लीट स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है ताकि आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो आपको क्लियर हो जाए। तो अब हम आपको बताएंगे स्क्रिप्ट के कितने टाइप्स होते हैं। एक्चुअली स्क्रिप्ट टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट स्क्रिप्ट में क्या होता है कि आप बुलेट पॉइंट्स ऐड करेंगे अपनी वीडियो के अंदर, कि जो मेन जो पॉइंट्स होते हैं टॉप पॉइंट्स, फर्स्टली टाइटल देन सब टाइटल, एंड ये मतलब जो टॉप पॉइंट्स होते हैं सिर्फ आप वही आप वीडियो के अंदर रखेंगे जो कि आपके शॉर्ट्स में होता है। अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ बुलेट पॉइंट्स मेन दिखाएंगे कि आपकी स्क्रिप्ट ऐसे ऐसे बनेगी, कि आपके स्क्रिप्ट में क्या क्या होगा, इंट्रो होगा, कंटेंट होगा, आउटर होगा, और ये चैट जीपीटी से या फिर मतलब अदर किसी भी पोर्टल से आप उसको उठा सकते हैं, तो आपका तैयार है कंटेंट। एंड देन सेकेंड होता है आपका वर्ड टू वर्ड। वर्ड टू वर्ड में क्या होता है कि आप अपनी कंप्लीट वीडियो का स्क्रिप्ट बनाएंगे जो कि वर्ड टू वर्ड आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा, चाहे फिर वो रियल स्टोरी हो या फिर फिल्म स्टोरी, कैसे भी आप स्टोरी बना रहे हैं तो वो आपको वर्ड टू वर्ड में लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्क्रिप्ट के पार्ट क्या क्या हैं। स्क्रिप्ट के पार्ट एक्चुअली थ्री पार्ट्स होते हैं स्क्रिप्ट के, जो कि है हुक, देन कंटेंट एंड देन आउटर। तो स्क्रिप्ट के तीन पार्ट होते हैं, जो तीन पार्टों में स्क्रिप्ट आप डिवाइड करते हैं। फर्स्टली आप हुक को दिखाना चाहोगे। हुक में क्या है कि ये सिर्फ इंट्रो को डिस्क्राइब करता है, मतलब जो भी आप मोरल आप स्टोरी का लिख रहे हैं उसको आप हुक में बता सकते हैं, कंप्लीट डिफाइन कर सकते हैं, जो कि 15 से 30 सेकंड का होता है आपका, मतलब जिसमें आपका डिफाइन हो जाता है कि आप किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात करना चाह रहे हैं और ये व्यूवर्स के लिए कितना प्रॉफिटेबल है, ये आप हुक में डिफाइन कर देंगे। ओके, तो ये व्यूवर्स को क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमारे काम की वीडियो है तो हम आगे इसको देखना पसंद करेंगे। ओके, देन कंटेंट होता है। सो कंटेंट में मैं आपको बता देती हूँ कि कंटेंट में एक्चुअली सबटाइटल होता है। ओके, सबटाइटल का क्या होता है कि जो आप कंप्लीट जो स्टोरी बनाएंगे उसमें टाइटल होएगा, उसके बाद आप डिफाइन करेंगे कि स्टोरी का देयर वाज अ क्रो जो पानी से बहुत प्यासा था और उसने आके अपना घड़ा देखा और उसमें पत्थर डाले और वो पानी ऊपर आ गया। ये इतना ही इसका कंटेंट हो गया, ठीक है, ये स्टोरी का कंटेंट हो गया। और टाइटल जो है कि क्रो प्यासा था, तो वो कहाँ आपने टाइटल में डाल दिया, बाकी जो हो गया वो उसका कंटेंट हो गया। ओके, तो वो आपने कंटेंट में डाल दिया। एंड देन कंटेंट में आप जो भी लिखेंगे उसके बाद आप स्क्रिप्ट का बेनिफिट हो गया कि आप उसमें से अपना कट डाउन कर सकते हैं, जो उसमें से कट करके भी आप बोल सकते हैं। जितना सिंपल आपका वीडियो होगा उतना ही आपका वीडियो ग्रो करेगा। आप तो स्क्रिप्ट के आउटर में क्या होगा, हम बता रहे हैं आपको। आउटर में होगा कि जो आपने स्क्रिप्ट लिखा है उसमें आपने क्या लिखा है, कितना लिखा है, और आपने जो अभी स्क्रिप्ट में लिख दिया क्या वो सही है, व्यूवर्स को देख के वो पसंद आएगा, क्या उसमें एंटरटेनमेंट है थोड़ा बहुत भी, या फिर मतलब क्या वो बोरिंग लग रही है, ये सब चीजें आप उसको रीड आउट करके आउटर में
लिख देंगे, तो उससे आपकी कंप्लीट स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी और आप अपने वीडियो को स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सिंपल बना के उसको अपलोड कर देंगे, तो आपकी वीडियो बहुत ही हिट होएगी क्योंकि आपने उसमें एक्चुअल पॉइंट्स लिखे हैं जो कि व्यूवर्स को पसंद आ रहे हैं। तो ये चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं कि स्क्रिप्ट आप पहले वीडियो से लिखें। और प्लीज अभी आप हमें बताएं कि आपको अपने कंप्लीट वीडियो में क्या नॉलेजेबल लगा, और कहीं भी आपको गलत लग रहा है, कोई पॉइंट मिस हो गया है, तो प्लीज आप हमें कमेंट में बताइए और प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।